सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं लॉन्गेस्ट नाइट सबस्ट्रिंग प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने वाला हूँ बिग ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये, एक्चुअली कॉन्टेस्ट में आई थी, लेकिन लाइक इट्स नॉट ए इजी प्रॉब्लम, इट्स अ मीडियम प्रॉब्लम, लेकिन कॉन्टेस्ट में इसका कंस्ट्रेंट्स काफ़ी कम दे रखे थे, तो बेसिकली ब्रूट फोर्स से सब ने कर लिया। इनफैक्ट मैंने भी इनिशियली ब्रूट फोर्स कोड से ही किया था इसको, लेकिन फिर मैंने पढ़ा लाइक बिग ओ एफ एन में कैसे करेंगे, तो आई जस्ट रेड दिस सॉल्यूशन, इट्स रियली अमेजिंग सॉल्यूशन। तो मैं यही सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो बेसिकली लेट्स, तो प्रॉब्लम में मुझे दे रखा है कि एक स्ट्रिंग दे रखा है और उसमें मुझे बताना है कि ऐसी कौन सी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग का पार्ट है जिसमें सेम कैरेक्टर्स स्मॉल में भी अपियर हो और कैपिटल में भी अपियर हो। एंड लाइक सिंस यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई गेस यार यू हैव ऑलरेडी रेड द प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलो प्रॉब्लम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो ओके, तो प्रॉब्लम मुझे ये बोल रही है कि प्रॉब्लम में सबसे पहले मैं जितने भी मेरे पास कैरेक्टर्स हैं ना, सबको एक अनऑर्डर्ड सेट में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। अभी तुम्हें पता चलेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल वाई, कैपिटल स्मॉल ए, जेड, कैपिटल ए एंड स्मॉल वाई, ठीक है। तो अब जैसे मेरे पास ये स्ट्रिंग दे रखी है, तो मैं स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करता हूँ। तो सबसे पहले मैं वाई पे आता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं देखूँगा कि बेसिकली ये जो टोटल स्ट्रिंग दे रखी है वो एक नाइस स्ट्रिंग हो सकती है या नहीं, ठीक है। तो देखो मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं सबसे पहले वाई को देखता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं अब अपने अनऑर्डर्ड सेट में चेक करूँगा कि मेरे पास कैपिटल वाई तो है, क्या स्मॉल वाई भी एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब कैपिटल स्मॉल दोनों एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब यहाँ तक मैं नाइस हो सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे मैं स्मॉल ए पे देखता हूँ क्या स्मॉल ए और कैपिटल ए एग्जिस्ट करता है मेरे इस पूरे स्ट्रिंग में। तो मेरा आंसर आता है फ्रॉम दिस अनऑर्डर्ड सेट, यस इट एग्जिस्ट, सो इट्स वेल एंड गुड। फिर मैं जेड पे आता हूँ, ठीक है। अब जेड पे आता हूँ तो मेरे लिए दिक्कत खड़ी होती है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जेड के लिए मैं सर्च करता हूँ अनऑर्डर्ड सेट में, मैं देखता हूँ यार स्मॉल जेड तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन कैपिटल जेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या ये पूरा स्ट्रिंग क्या कभी नाइस बन सकता है? नहीं बन सकता है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लाइक डिवाइड एंड कॉन्कर करूँगा। मैं डिवाइड करूँगा कि ठीक है यार ये पूरा तो नहीं बन सकता, लेकिन चलो क्या पता इतना पार्ट मेरा, इतना पार्ट हो सकता है शायद बनता हो, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। और मैं इसको और डिवाइड करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा कि शायद हो सकता है इतना पार्ट मेरा नाइस बनता हो और इतना पार्ट मेरा नाइस बनता हो, मुझे नहीं पता है ना। तो अगर इसका जैसे ये है, ये नाइस नहीं बनता है, ठीक है, तो यहाँ से मेरा रिटर्न क्या हो जाएगा? रिटर्न एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगा कि ओके इट इज़ आई एम नॉट गेटिंग द आंसर, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मैंने डिवाइड किया, तो एक्चुअली ये जो जेड है ना, ये मेरा कभी नाइस स्ट्रिंग का पार्ट नहीं हो सकता है, बेसिकली ये है। अब मैं ये वाला पार्ट चेक करने जाता हूँ, ठीक है। तो ये वाला मैं पार्ट चेक करता हूँ, तो इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, एक अनऑर्डर सेट बनाता हूँ जिसमें ए लिखता हूँ, कैपिटल ए लिखता हूँ और वाई लिखता हूँ, ठीक है। तो अब मैं अगेन मैं इस ए पे आऊँगा, मैं चेक करूँगा कि यार कैपिटल ए और स्मॉल ए एग्जिस्ट करता है क्या यहाँ पे। तो मेरा आंसर आएगा कि हाँ एग्जिस्ट करता है, सो इट्स वेल एंड गुड, दिस कैन बी अ नाइस स्ट्रिंग, पार्ट ऑफ अ नाइस स्ट्रिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे भी देखता हूँ स्मॉल ए और कैपिटल एग्जिस्ट कर रहा है, सो अगेन दिस कैन बी अ नाइस स्ट्रिंग। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो दिस अगेन कैन बी अ नाइस स्ट्रिंग। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि क्या ये, अगर मैं वाई को इसका पार्ट लेता तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं इस पूरे स्ट्रिंग में। तो मेरे को क्या करना होगा कि बेसिकली मैं देखूँगा कि लाइक मैं फिर से डिवाइड करूँगा कि ओके दिस कॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ द नाइस स्ट्रिंग, ठीक है। तो वॉट आई विल डू इज़ आई विल फर्दर डिवाइड दिस प्रॉब्लम इन टू दिस पार्ट एंड एंड वॉट, इसके नेक्स्ट वाला पार्ट में डिवाइड करूँगा जो कि है एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो इतना पार्ट किया, अब क्या होगा? ओके हाँ, अब मैं इस वाले सब स्ट्रिंग में देखूँगा कि क्या ये नाइस स्ट्रिंग है। तो ऑब्वियसली फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस लाइक सेम जो चीज़ मैंने यहाँ पे की थी वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा और मेरा आंसर आएगा कि हाँ ये नाइस स्ट्रिंग है। तो ये नाइस स्ट्रिंग जाएगी मेरे पास, इसका लेंथ है 3, है ना, और यहाँ पे ये स्ट्रिंग जाएगी क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग है तो इसका लेंथ 0 आएगा, है ना। तो इन दोनों में से जो भी बेटर स्ट्रिंग है, जैसे कि बेटर स्ट्रिंग ये है,
तो मैं यहाँ पे इसको रिटर्न करूँगा ए कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो इसका लेंथ 3 है और यहाँ से मेरे पास कुछ 0 आएगा। हो सकता है यहाँ से मेरा कुछ 1 आया होता है या हो सकता है यहाँ से 10 आया होता, लाइक सम अदर केस है ना। तो एट द एंड जो जो भी इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको कोड करता हूँ और फिर तुमको समझाता हूँ, ठीक है। सो अगर ये लॉजिक क्लियर है तो लाइक कोड करना वॉन्ट बी मच डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो चलो कोड करते हैं। तो सबसे पहले इफ़ एस डॉट साइज इज लेस देन 2 देन रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, पता नहीं आवाज़ को क्या हो गया यार। ओके तो अगर बेसिकली अगर सिर्फ एक कैरेक्टर दिया होता स्मॉल ए या कैपिटल ए, ठीक है, तो या फिर 0 कैरेक्टर दिया होता तो मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देता, ठीक है। अब मैं एक अनऑर्डर सेट बनाता हूँ, अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर सेट कैर ऑफ कैरेक्टर्स, जिसका नाम लिखता हूँ यू सेट, ठीक है। अब मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन वॉट एस डॉट साइज आई प्लस प्लस। ओके, अब मैं एक एक कैरेक्टर को देखूंगा कि क्या उसका ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने अनऑर्डर सेट में कैरेक्टर्स फिल कर लेता हूँ, ठीक है। यू सेट डॉट इंसर्ट इंसर्ट वॉट एस आई, ठीक है। तो मैंने अब अपने अनऑर्डर सेट में कैरेक्टर्स फिल कर लिए। अब मैं एक और फॉर लूप लगाऊंगा, ठीक है। इस फॉर लूप में मैं क्या करूंगा, मैं एक एक कैरेक्टर के पास जाऊंगा और देखूंगा क्या उसका स्मॉल वर्जन और कैपिटल वर्जन एग्जिस्ट करता है। तो वो चेक करने के लिए क्या करूंगा, इफ़ यू सेट डॉट काउंट, ठीक है, डॉट काउंट टू लोअर व्हाट एस आई इज इक्वल टू ट्रू। ओके, एंड मैं इसका मतलब समझाता हूँ कि ये टू लोअर और डॉट काउंट क्या होता है, ठीक है। यू सेट डॉट काउंट टू अपर ओके हाँ टू अपर व्हाट एस आई इज इक्वल टू ट्रू। ओके, ठीक है, अगर ऐसा है तो देन आई विल कंटिन्यू, ठीक है। तो बेसिकली यू सेट डॉट काउंट मतलब डॉट काउंट से क्या होता है, डॉट काउंट मतलब कि इसके अंदर में जो भी चीज़ है वो मैं अनऑर्डर सेट में चेक करूँगा कि क्या वो प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो इट विल बी ट्रू एंड अगर एबसेंट है तो फॉल्स होगा। और टू लोअर से क्या होता है कि अगर कोई स्मॉल कैरेक्टर है स्मॉल लेटर है तो वो स्मॉल रहेगा और अगर कोई कैपिटल लेटर है तो अपने आप स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर कोई कैपिटल कैरेक्टर है टू अपर से वो कैपिटल ही रहेगा, लेकिन अगर कोई स्मॉल कैरेक्टर है तो वो कैपिटल कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंटिन्यू कब होगा, जब मेरे को पता है कि स्मॉल और कैपिटल दोनों एग्जिस्ट करते हैं उस स्ट्रिंग में, ठीक है। और अगर नहीं करते हैं इसका मतलब मुझे अपना स्ट्रिंग है उसको डिवाइड करना पड़ेगा दो पार्ट्स में, ठीक है। तो लेट्स द प्रीवियस पार्ट भी मतलब जो पहला वाला पार्ट है जस्ट अ सेकेंड, तो दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो इस वाले पार्ट को मैं मान लेता हूँ प्रीवियस और इस वाले को मैं मान लेता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। सो स्ट्रिंग प्रेव इज इक्वल टू, मैं चेक करूंगा कि जो मेरा प्रीवियस वाला पार्ट है वहाँ से लॉन्गेस्ट नाइस स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग कौन सी आ रही है। तो उसके लिए मैं इस फंक्शन को फिर से कॉल करूंगा, लॉन्गेस्ट नाइस सब स्ट्रिंग व्हाट एस डॉट सबस्टर 0, i। तो एस डॉट सबस्टर 0, i मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जी जो सब स्ट्रिंग है, जैसे सपोज ये है लॉन्गेस्ट नाइस स्ट्रिंग एक सब स्ट्रिंग है, तो 0 to i मतलब 0 से लेके फर्स्ट मतलब है इंडेक्स और नेक्स्ट है लेंथ, ठीक है। 0 से आए मतलब 0, 2 होता है इसका मतलब LO, 3, 3 होता मतलब GES, ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग को मतलब सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं इससे। अब स्ट्रिंग नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या लिखूंगा, लॉन्गेस्ट नाइस सब स्ट्रिंग नाइस सब स्ट्रिंग वॉट एस डॉट सबस्टर वॉट i+1, ठीक है। अब i+1 मैंने यहाँ पे एक ही पैरामीटर पास किया, इसका मतलब बेसिकली जो भी कैरेक्टर है सपोज अगर वो कैरेक्टर c है तो सिर्फ एक पैरामीटर पास करोगे, इसका मतलब c से लेके टोटल एंड तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है।
अब ये दोनों बेसिकली सॉल्व होंगे, ठीक है, और ये मेरा बेस कंडीशन है, तो मेरे यहाँ से रिटर्न होगा कुछ ना कुछ। तो जब ये दोनों सॉल्व होके आएंगे तो मुझे डिसाइड करना है कि जो भी इनमें से बड़ा जो रिज़ल्ट है उसको मुझे रिटर्न करना है। तो वो मैं एक टर्नरी फंक्शन लिख लेता हूँ। सो इफ़ प्रेव डॉट साइज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू नेक्स्ट डॉट साइज, सो इन दिस केस मैं क्या करूँगा, मैं प्रीवियस रिटर्न कर लूँगा, और अगर नेक्स्ट वाला सबस्ट्रिंग मेरा ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, तो मैं नेक्स्ट रिटर्न कर दूंगा इस केस में, ठीक है। और सपोज़ कि अगर मेरा जो जो ये स्ट्रिंग है, करंट स्ट्रिंग है, वो ही नाइस स्ट्रिंग है, जैसे कि इस केस में हो रहा है, जैसे ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ये ऑलरेडी एक नाइस स्ट्रिंग है, तो मैं हमेशा यहाँ पे कंटिन्यू कर जा रहा हूँ, इस यहाँ पे तो कभी मैं आ नहीं रहा हूँ, है ना। तो इन दिस केस आई विल जस्ट आफ्टर द फॉर लूप एंड्स आई विल जस्ट रिटर्न एस, तो डन। तो ये बिग ओ एन में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं यहाँ पे। सो इट्स अ रियली नाइस सॉल्यूशन एंड थैंक्स टू मिस्टर हुएरा 007, ठीक है। सो इट्स 100% फास्टर देन रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड अर्लियर माय कोड वाज, द कोड दैट आई सबमिटेड वाज लाइक 76 मिलीसेकंड एंड दिस इज ओनली 12 मिलीसेकंड। So if you have understood the solution, please like the video and subscribe the channel. And thanks and have a nice day.